आजाद भारत की राजधानी दिल्ली, जहां चकाचौंध भी था, बाजार भी था और रोजगार भी, लेकिन एक चीज की कमी थी, कनेक्टिविटी। दिल्ली एनसीआर के एक छोर से दूसरे छोर तक जाने में घंटों लगते थे और थकान अलग। इस समस्या को सुलझाने के लिए 3 मई 1995 को दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन का गठन हुआ और फिर 24 दिसंबर 2002 को दिल्ली में पहली बार मेट्रो दौड़ी। तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने इसका उद्घाटन किया। मेट्रो के जरिए लोग शाहदरा से 30,000 तक 8.5 किलोमीटर का सफर तय करने लगे, लेकिन अब दिल्ली मेट्रो का जाल करीब 450 किलोमीटर तक फैल गया है, जिसमें 286 मेट्रो स्टेशन हैं। अभी भी मेट्रो का विस्तार जारी है। दिल्ली मेट्रो के चलने से यातायात की एक बड़ी समस्या सुलझ गई। मेट्रो से जुड़ी एक और रोचक जानकारी आपको हम दे देते हैं। आपने मेट्रो में अनाउंसमेंट सुना होगा, ये आवाज़ ओरिजिनल है। हिंदी वाली आवाज़ शम्मी नारंग की है, वहीं अंग्रेजी वाली फीमेल वॉइस रीनी सिमोन की है। ये दोनों ही दूरदर्शन में एंकर रह चुके हैं। दिल्ली मेट्रो अब यहाँ के लोगों के जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बन गया है।